देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो 2 साल की जेल। राज्य में बीड़ी सिगरेट पीना दंडनीय अपराध तोपे। कोविड-19 के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में आने पर राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, बीड़ी सिगरेट पीना और तंबाकू उत्पादों के सेवन को दंडनीय अपराध बना दिया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक बयान में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पहली बार इस नियम का उल्लंघन करने वालों को ₹1,000 जुर्माना भरना होगा तथा एक दिन जनसेवा करनी होगी। मंत्री ने कहा कि दूसरी बार उल्लंघन करने पर व्यक्ति को ₹3,000 जुर्माना तथा 3 दिन जनसेवा करनी होगी तथा उसके बाद जुर्माना ₹5,000 और 5 दिन जनसेवा करनी होगी। बंबई पुलिस अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अनुसार 6 माह से लेकर 2 साल तक कैद होगी। लॉकडाउन पर राज्य का फैसला आज। केंद्र के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को काफी शिथिल किए जाने की घोषणा के बीच राज्य में इसे लागू करने के स्वरूप पर सरकार आज फैसला करेगी। परिवहन मंत्री अनिल परब ने बताया कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्यत्र लॉकडाउन शिथिल करने को लेकर चर्चा जारी है। केंद्र ने राज्यों को कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य इलाकों में रियायतें देने का अधिकार दिया है। इसके बावजूद राज्य की परिस्थिति को देखते हुए नियमों में बदल करने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बहुत इच्छुक नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एवं महाविकास आघाड़ी के मार्गदर्शक शरद पवार की राय है कि लॉकडाउन शिथिल करके अर्थव्यवस्था को पूर्ववत करने का प्रयास किया जाए। पवार ने उद्धव ठाकरे से उनके सरकारी आवास वर्षा पर जाकर चर्चा की। उन्होंने आग्रह किया कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्यत्र सभी जगह ढील दी जाए ताकि आर्थिक एवं कारोबारी गतिविधियां शुरू हो सके। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।